Good morning, all of you. Today my subject is English and my topic is small letter with cursive. Okay? Last class में हमने capital letter सीखा. अब हम small letter start करते हैं. Yes, capital letter में हमने क्या किया था कि आपकी notebook के अंदर four lines बनी हुई होती है. Yes, आपकी इंग्लिश की नोटबुक में फोर लाइन्स बनी हुई होती है. उसमें आपके कैपिटल लेटर वन टू थ्री लाइन में कैपिटल लेटर को हमेशा थ्री लाइन में लिखा जाता है. तो आपने इस प्रकार से बनाया होगा वन टू थ्री लाइन तक, है ना. कैपिटल लेटर में आपने राइट किया था ये वन टू थ्री. ऑल कैपिटल लेटर थ्री लाइन में ही हमने राइट किए थे. ओके, बट स्मॉल लेटर में ऐसा नहीं होता. स्मॉल लेटर में हमेशा स्मॉल लेटर की स्टार्टिंग जो है थर्ड लाइन से स्टार्ट होती है. एनी स्मॉल लेटर, कोई भी स्मॉल लेटर लीजिए आप, ए बी सी डी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल लेटर ए टू जेड, उनकी स्टार्टिंग हमेशा थर्ड वन टू थ्री, एक थर्ड लाइन जो होती है वहीं से स्टार्टिंग होती है. ओके, तो आज मैं आपको स्मॉल लेटर कर्सिव के लिए कुछ स्ट्रोक्स बनाना सिखाऊंगी. तो आपको पहले स्ट्रोक सीखना कंपलसरी है. जब तक आप स्ट्रोक बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आपको स्मॉल लेटर राइट करना नहीं आएगा. ओके, यस, स्टार्ट. सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रोक होता है आपका ये वाला, ये वन टू थ्री थर्ड लाइन स्टार्ट की. थर्ड लाइन से हम लिखते हुए ये सेकंड लाइन का जो सेकंड लाइन में स्लैंटिंग से पॉइंट लगाएंगे, स्लैंटिंग में लेकर के एक लाइन बनाएंगे. इस प्रकार से स्लैंटिंग को लिया तो लाइन बनाएंगे. ओके, इसी प्रकार इसको बनाना है आपको. यस, रुक्त बोर्ड थर्ड लाइन वन टू थ्री थ्री थर्ड लाइन से स्टार्टिंग करेंगे. पॉइंट के ऊपर अपना पेंसिल रखेंगे, यहाँ से भी ले जाते हुए स्लैंटिंग में लेते हुए सेकेंड लाइन तक आके ड्रॉप कर देंगे. ओके, थर्ड लाइन से ले जाते हुए सेकेंड लाइन में आते हुए स्लैंटिंग में लेते हुए आप ड्रॉप करेंगे इस प्रकार से. यस, आया समझ में. इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्ट्रोक ये होता है स्मॉल लेटर में. और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि स्मॉल लेटर मीन्स होता है रनिंग में राइट करना. ओके, रनिंग जब होगा जब आप लिखते समय अपने हैंड को उठाएंगे नहीं. ओके, एक ही रिदम में आपको लिखते जाना है. अपने हैंड को क्या करना है, उठाना नहीं है अपने नोटबुक से. ओके, सेकंड स्ट्रोक हमारा है सी वाला का. तो कर्व बनाते हुए, कर्व किसमें होता है, सी में होता है, ए में होता है. पहले हम कर्व बनाते हुए हम सेकंड स्ट्रोक बनाएंगे. देखिए, इस प्रकार से स्ट्रोक बनाया. पहले इस प्रकार से हम मैंने कहा था थर्ड लाइन से स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर, तो पहले थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे अपना, फिर यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए अपने हैंड से उठाना नहीं है जब तक वो फिनिश ना हो, कंप्लीट ना हो जाए आपका लेटर. सेकंड स्ट्रोक हमारा है यहाँ से सेकंड लाइन तक ले जाते हुए स्लैंटिंग में लेके गए. स्लैंटिंग में ले जाते हुए फिर उसी लाइन के ऊपर कर्व बनाना है हमको, फिर बैक हो जाना है उसी लाइन पे. हमको कर्व बनाते हुए वापस थर्ड लाइन में आना है, थर्ड लाइन में. ओके, वापस इसको कर्व का शेप देना है इस प्रकार. देखिए, ऐसे किया, ऐसे स्लैंटिंग पे लेके गए सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन में, फिर बैक किया. बैक करते हुए स्लैंटिंग लाइन के ऊपर ऊपर लेते हुए आपको थर्ड लाइन में जाना.
थोड़ा आपको थोड़ा कमेंट करना है। यह आपका सेकंड स्ट्रोक है, इस प्रकार से देखिए, ऐसे किया जो फर्स्ट स्ट्रोक बनाया पहले, फिर इसी को बैक करते हुए स्लैंटिंग में लेके जाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। यहाँ यह थर्ड पॉइंट, वन टू थ्री, थर्ड लाइन, ये वाली थर्ड लाइन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्लैंटिंग में लेकर जाएंगे फर्स्ट स्ट्रोक को, इस प्रकार, फिर इसको परफेक्ट देंगे बैक करते हुए, फिर इसको थर्ड लाइन को टच करते हुए फिर कर्व देंगे इस प्रकार से। ओके, थर्ड स्टॉक हमारा आता है ये वाला, देखिए इसको ऐसे किया, फिर ऐसे स्लैंटिंग में लेके गए, बैक किया, वापस थर्ड लाइन में लाए, फिर इसको सेकंड लाइन में लेना है, फिर इसको बैक किया, नीचे थर्ड वाली लाइन में लाए, आपने हैंड को उठाना नहीं है, फिर आप सेकंड लाइन में किया, फिर इसको बैक करके स्लैंटिंग में लेते हुए कर्व बनाया, थर्ड लाइन तक लिया, फिर वापस इस लाइन को स्लैंटिंग में ले जाते हुए सेकंड लाइन में लेना है, फिर बैक करो, बैक करते हुए इसको नीचे आ रहा है थर्ड लाइन में, सॉरी, फिर इसको सेकंड लाइन में लेना है, फिर स्लैंटिंग लेते हुए बैक करते हुए इस लाइन के ऊपर ऊपर लेते हुए थर्ड लाइन में आके कर्व बनाना है, फिर सेकंड लाइन में लाओ, अपने हैंड को उठाना नहीं है, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर ही रखना है हैंड को, इस प्रकार से सेकंड लाइन में लेते हुए फिर से थर्ड लाइन में आइए, थर्ड लाइन से फिर सेकंड लाइन में स्लैंटिंग बनाते हुए फिर इसको कर्व लेते हुए थर्ड लाइन में आना है, इस प्रकार से आपको ये स्ट्रोक बनाना होगा। ओके, फोर्थ स्ट्रोक हमारा है इस प्रकार का, ये थर्ड लाइन, वन टू थ्री, हमेशा मैंने कहा था कोई भी एनी स्मॉल लेटर स्टार्टिंग, एनी स्मॉल लेटर की स्टार्टिंग हमेशा थर्ड लाइन से ही होती है, वन टू थ्री, ये थर्ड लाइन पे पॉइंट लगा, यहाँ से इस प्रकार के ये थ्री लाइन पे लिखने वाले जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दी हूँ, इसको पहले यहाँ से लेकर थर्ड लाइन से लेकर वन टू थ्री, ऊपर वाली जो फ्रंट वो फर्स्ट लाइन होती है वहां तक जो भी जाना है, इसको अपने हैंड को उठाना नहीं है, इस प्रकार से देखिए, फिर इसी को इसके ऊपर करते हुए नीचे थर्ड लाइन में लाना है, फिर इसको ऊपर लेना है, फिर इसके ऊपर ऊपर लेते हुए थर्ड लाइन में वापस नीचे आना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस प्रकार से करना है आपको, ये थ्री लाइन्स में बनने वाले जो स्मॉल लेटर होते हैं उनके लिए है स्ट्रोक, इस प्रकार से आपको इसी लाइन के ऊपर लेते हुए थर्ड लाइन में लेकर आना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ओके, अब आपका फाइव नंबर वाला स्ट्रोक मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उसी उसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये देखिए थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, थर्ड लाइन से, ओके, वन टू थ्री, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, ऊपर वाली अपर फर्स्ट लाइन में आना है, ऐसे ऐसे, यस, आप इसी लाइन के ऊपर लेते हुए फर्स्ट लाइन तक जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर इसको फिर से डाउन करेंगे, फिर इसी लाइन के ऊपर लेते हुए आपको फर्स्ट लाइन में जाना है, फिर इसको डाउन करना है, फिर इसी लाइन के ऊपर लेते हुए फर्स्ट लाइन में जाना है, फर्स्ट लाइन को टच करके कर्व लेते हुए हल्का सा टर्न करना है और थर्ड लाइन में जाना है, इस प्रकार से आपको ये बनाना है, इस प्रकार से आपको इस तरह के स्ट्रोक बनाने होंगे, इस प्रकार से अप डाउन अप, अपने हैंड को उठाना नहीं है, स्मॉल लेटर के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अपने हैंड को उठाना नहीं है नोटबुक से। ओके, आया समझ में, ये स्ट्रोक जब
जब आप सीख जाओगे ना तब आपको स्मॉल लेटर लिखना आ जाएगा और आपको इन स्ट्रोक्स की अपने घर पे प्रैक्टिस करना है रेगुलर। अब मैं आपको रेगुलर करनी दूँ ए बी सी डी ये स्टार्टिंग करना सिखाऊंगी। ओके थैंक यू।